सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो है सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज में हम ऐड करवाएंगे नेचुरल नंबर्स को, और इसमें हम कहीं से भी कोई लूप यूज नहीं करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट रिकर्जन का होगा। तो यहां से एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और शुरू करते हैं प्रोग्राम को लिखना। तो सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h मैं लिख देने वाला हूं यहां पे। तो ये लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.h, बस इस तरीके से हेडर फाइल हमने बना दी है हैश इंक्लूड stdio.h। अब यहां पर एक हमें फंक्शन बनाना है जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और ये सम नाम से मैं फंक्शन बना रहा हूं। इंट सम करके लिख दिया मैंने, ये देख सकते हैं यहां पर बीच में गैप होगा, तो इंट सम किया हमने इस तरीके से। और यहां पर ये सम के अंदर मैंने लिख दिया इंट, और फिर यहां लिखा एन, तो एन भी बना दिया है हमने। और यहां पर मैं क्या करता हूं, टर्मिनेट, तो ये टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करके एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पर लिखा मैंने इंट मेन, यहां पे इंट मेन फंक्शन बनाया है। ठीक है, अब ये मेन फंक्शन है हमारा जो आमतौर पर हम बनाते हैं। ठीक है, और ऊपर हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने की कोशिश की है। यहां पर इंट टाइप का दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं नंबर के नाम से और दूसरा ले लेते हैं और रिजल्ट के नाम से, यानी रिजल्ट में हम स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया नंबर, दूसरा हो गया रिजल्ट। रिजल्ट होने के बाद एंटर करके फिर नीचे आ जाइए, यहां पर लिखिए प्रिंटर, क्योंकि यहां पर अब हमें प्रिंट करवाना है तो लिखना होगा प्रिंटर। तो यहां देंगे एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर दे दिया हमने, और यहां पे कर दिया इसको टर्मिनेट। टर्मिनेट करके एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पे स्कैनअप का प्रयोग करना है क्योंकि यूजर से एंटर करवाना है, दैट्स व्हाई स्कैनअप भी लिखना पड़ेगा। और एक ही है हमारे पास, तो यहां पे परसेंटी एक ही बार लगाना, इंटीजर एक ही बार लिया। और यहां पर स्टोर कहां जाके होगा, एड्रेस ऑफ नंबर के अंदर ये जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना होगा एड्रेस ऑफ नंबर, क्योंकि नंबर नाम से भी एक बनाया है हमने, आप देख सकते हैं ऊपर मैंने लिखा एक रिजल्ट एक नंबर। तो ये नंबर कट गया, यहां पर टर्मिनेट करके नीचे आएंगे। ध्यान से देखते रहिए, यहां पर कहीं भी लूप मैं नहीं यूज कर रहा, तो लूप के बजाय मैं यूज कर रहा हूं रिकर्जन। ठीक है, यहां पर लिखा मैंने सम और यहां पर नंबर लिख दिया, तो सम और नंबर लिखने के बाद यहां पर इसको भी टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करके नीचे आइए, फिर यहां पे प्रिंट करवा दीजिए। तो क्या प्रिंट करवाएंगे, तो यहां लिखेंगे प्रिंटएफ। जब भी प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंटएफ लिखेंगे, क्योंकि ये सी लैंग्वेज है, पाइथन होता तो केवल प्रिंट लिखते। यहां पे लिखेंगे सम कुछ इस तरीके से, और यहां पर सम लिखने के बाद इज इक्वल टू परसेंट डी, ये कर दिया हमने, डबल डॉट कोट्स को क्लोज किया, कॉमा दिया। यहां पे ये जाकर रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और यहां से कर दीजिए इसको टर्मिनेट, टर्मिनेट कर दिया, यहां पर रिटर्न करवा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर इंट मेन बनाया है मैंने, तो यहां पे हमें रिटर्न भी करवाना होगा, रिटर्न जीरो करवा दिया हमने। रिटर्न जीरो करके इसको टर्मिनेट कर दिया, जो ब्रैकेट ओपन हुआ था उसको क्लोज कर दिया। ये सारा काम हो गया, अब हमको क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना है ये जो गैप हो गया, ये गैप को हम रिड्यूस करेंगे। यहां पर ये गैप नहीं होना चाहिए, एरर आ सकता है या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस गैप को रिड्यूस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आते हैं तो यहां पे इंट और फिर लिखेंगे सम। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया एस यू एम सम, और सम लिखने के बाद फिर यहां पे इंट किया और यहां पे कर देते हैं एन। ठीक है, तो ये कर दिया, और यहां पर ब्रैकेट को यानी कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है, एंटर करना है। यहां पे लगाता हूं इफ की कंडीशन, तो यहां लिखेंगे इफ एन इज नॉट इक्वल टू, नॉट लिखा, नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू जीरो, अगर एन नॉट इक्वल टू जीरो हो तो रिटर्न, तो क्या रिटर्न करे, तो ये लिखा मैंने रिटर्न, और रिटर्न क्या करवाएंगे एन प्लस क्या करेंगे सम, सम एस यू एम लिखा, और एन माइनस वन, एन माइनस वन कर दिया हमने। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से प्रोग्राम हमने लिख दिया है। यहां पर हमें लगाना है सेमीकोलन, और सेमी कोलन देने के बाद एल्स की कंडीशन आती है, तो ये एल्स की कंडीशन लगाई हमने, और यहां पर रिटर्न करवा दिया एन को, तो ये लिखा रिटर्न एन, बस हो गया काम। यहां पर जो ब्रैकेट ओपन हुए थे उनको क्लोज करना है, तो एक ही ब्रैकेट क्लोज करना है, तो ये क्लोज कर दिया। अब इसको कंपाइल करवाते वक्त ही हम सेव कर लेंगे, तो यहां पर मैं rec.rec कर देते हैं, डबल सी डॉट सी के नाम से इसको सेव कर दिया। अब ये अगर कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया, देख सकते हैं। और यहां से अब हम इसको रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, चलता है कि नहीं। तो यहां पे कह रहा है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर को हमें एंटर करना है, तो पॉजिटिव इंटीजर एंटर करना है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो यहां पे अगर मैं सिक्स या फाइव, फाइव करते हैं, ये फाइव किया हमने, जैसे ही मैंने फाइव किया तो पांच नंबर का सम आ गया। ठीक है, देख सकते हैं
यहां पर जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम करके ये दे रहा है। यहां पे मैंने क्या एंटर किया, 5 एंटर किया, इंटीजर क्या एंटर किया, 5 एंटर किया, तो 5 को सम करेगा, ये कैसे सम करेगा, 5 है, 5 प्लस 4 9 हो गया, प्लस 3 करेंगे तो कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 2 करेंगे तो 13 14 हो गया, प्लस 1 करेंगे तो 15 हो गया। ठीक है, इसी प्रोग्राम को एक बार दोबारा से चला लेते हैं। ठीक है, यहां से चलते हैं, इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाते हैं, कंपाइल रन करवाते हैं, तो ये कंपाइल करवाया फिर रन करवाया। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम अगर 2 दे देते हैं, केवल 2 दे देते हैं, तो 2 में क्या आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, यानी 3 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है, तो यहां पे 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। ठीक है, अगर मैं 3 करता हूं तो क्या आएगा, ये देखिए इसको रन करवा देते हैं, अब 3 करते हैं, तो यहां से 3 करता हूं तो 3 में क्या आएगा, 3 प्लस 2 5 हो गया, और 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया, तो यहां 6 आना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल सही है, 6 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि नेचुरल नंबर्स का सम कराना, ठीक है, जो यूजर एंटर करे उस नेचुरल नंबर का सम कराना, ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, रिकर्जन से रिलेटेड ये वीडियो थी, यहां कहीं भी लूप का यूज मैंने किया नहीं है। ओके, जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे कहते हैं रिकर्जन। तो एक फंक्शन हमने यहां पे बनाया है, देख सकते हैं आप, और फिर वही खुद को कॉल कर रहा है। यहां पे देखिए फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, ये देख सकते हैं, यहां पे फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, और यही है रिकर्जन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।